विधानसभा चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार से तैयारी कर रही है, जैसे हर विधानसभा के अंदर उनके प्रभारी, उनके विस्तारक की नियुक्ति अभी होने वाली है। इसी प्रकार से हर बूथ पर बूथ कार्यक्रम, बूथ के अंतर्गत बूथ की रचना को मजबूत करने के लिए भी पार्टी पूरी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, और साथ में ही बड़ी वरिष्ठ नेताओं के प्रवास और अभी स्वास्थ्य अभियान अभी चालू किया है कि वे कोरोना का सामना कैसे करें, किस प्रकार से करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर कोरोना के साथ खड़ा होकर वहां के लोगों को कैसे बचाव करें, इस उसमें दिशा में माननीय शिवप्रकाश जी जो हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं उनके मार्गदर्शन में अभी एक प्रशिक्षण शिविर अभी पार्टी कार्यालय पर हुआ है। उस प्रशिक्षण शिविर के बाद कार्यशाला हो रही है प्रत्येक क्षेत्र में। फिलहाल तो आने वाली जो कोरोना लहर है उसको हम सब मिलकर एक तरह से निपुणतापूर्वक कोरोना के प्रभाव से बचते हुए कोरोना का सामना करें और कोरोना से ज़्यादा नुकसान लोगों को ना हो, इस दिशा में पार्टी प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बेरोजगारी चरम पर है, उसको कम करने के लिए राज्य सरकार किस तरह से प्रभावी कदम उठा रही है? ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है। इसमें रुपये का अवमूल्यन हुआ है, डॉलर का अवमूल्यन हुआ है, मुद्राओं का अवमूल्यन हो चुका है, व्यापार बिल्कुल घट गया है, आयात निर्यात की रेशो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो चीज़ें हमारे यहाँ से आयात होती थी वो कम जा रही हैं, निर्यात होती थी वो भी कम, आयात निर्यात का अपना रेशो घट गया बिल्कुल। तो उस दिशा में मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए नहीं, भारत में तो बड़ी सुगमता से अभी 7 से ऊपर की ग्रोथ रेट है, बड़ी सुगमता से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार ने कार्य किया है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विषय है उस विषय पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे देश अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। नेताजी, आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो इसको एक चुनौती भाजपा को दे रही है, उस चुनौती को कैसे देखते हैं? नहीं, कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे रही, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति बूथ के ऊपर बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ है और हमेशा चुनाव के अंतर्गत कोई ना कोई घटनाक्रम आता ही रहता है। एक घटनाक्रम है आम आदमी का आना, कोई बड़ी बात नहीं है। वो अभी जनता में कार्य करें, सेवा करें, जो कार्यक्रम वो दिल्ली में चला रहे हैं वो कार्यक्रम वो यहाँ बताते हैं कि हम यहाँ कर देंगे। यहाँ की राजस्व व्यवस्था अलग है, रेवेन्यू पोजीशन यहाँ की इस राज्य की अलग है। दिल्ली के अंदर सभी, कम से कम पूरे देश की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सबके मुख्यालय वहीं हैं, तो ज़्यादा GST और सब चीज़ें कट के वहाँ का राजस्व व्यवस्था दिल्ली की सबसे ज़्यादा अधिक है। इसलिए कोई भी योजना चलाना उसके बारे में बोलना दिल्ली वालों को सुलभ रहता है, जबकि दूसरे राज्यों को राजस्व इकट्ठा करना और फ्री में योजनाएं चलाना उतना आसान नहीं होता। तो जब यहाँ की राजस्व व्यवस्था को देखेंगे तो उसके हिसाब से कोई कमेंटमेंट करेंगे तो आमने सामने की बात होगी, तब जनता यहाँ उनको बताएगी। लेकिन ये सब झूठे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए, बस अंतिम प्रश्न मेरा, युवा वर्ग को लुभाने के लिए 2022 में पार्टी ने किस तरह की योजना बनाई है? युवा वर्ग तो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और मैं समझता हूँ जो पिछला मत हमको मिला था उस मत के अंतर्गत 22.7% युवा वोट हम भारतीय जनता पार्टी को मिला था, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। युवा, छात्र, छात्राएं और जितने भी युवाओं से जुड़े हुए प्रकल्प हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए युवाओं के बीच में कार्य करने वाले, युवाओं के प्रति संवेदनशील, युवाओं के बीच में अपने आप को आगे बढ़ाकर आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी युवा व्यक्तित्व को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं समझता हूँ युवाओं के लिए इससे बड़ी चेतना पूरे देश में, क्या पूरे विश्व के अंदर नहीं होगी कि इतना युवा मुख्यमंत्री युवाओं के बीच में चुनकर आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। तो आपको क्या लगता है कि अगला जो चुनाव होगा वो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री धामी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा? नहीं, ये चुनाव धामी जी तो मुख्यमंत्री होते हैं तो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में चुनाव तो लड़ता ही है, पार्टी चुनाव को आगे बढ़ाती है। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका अपना व्यक्तित्व है, उसके कारण पूरा देश इस समय आगे बढ़ रहा है। पूरे देश के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर आपने देखा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग बने, सारी सेना का नवीनीकरण हुआ और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जो रेशो घटी हुई थी वो बढ़ गई, निर्यात ज़्यादा हुआ, आयात कम हुआ, तो ये सब चीज़ों में जो सुधार हुआ है उन सुधारों के कारण देश की बड़ी प्रोग्रेस हुई है। कोरोना काल के अंदर पूरे देश ने बड़ी मजबूती से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश को संभाल कर रखा। इतना बड़ा देश है, 120 करोड़ से ऊपर की ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, पूरा यूरोप मिल जाए तब भी वो आगे नहीं आ पाते उस जनसंख्या अनुपात में, फिर भी इस देश ने अंदर उनसे ज़्यादा कैजुअलिटी हमारे यहाँ कम हुई है, जबकि हमारे यहाँ साधन उतने नहीं हैं जितने मान लिए जाते हैं,
लेकिन फिर भी देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन संभाल कर रखा। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उस नेतृत्व के आशीर्वाद में हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पुष्कर धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, उस सरकार के कार्यों को आगे बढ़ा के उनकी उनके निरूपण में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसलिए निश्चित रूप से बहुमत आने वाला है और भारी बहुमत से जीतकर दोबारा सरकार बनाएंगे।